कन्नौज खातेगांव तथा सतवास तहसील में ठेकेदार और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से तीनों तहसीलों के प्राथमिक विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर शासन के द्वारा छात्र छात्राओं को पीने के पानी को लेकर पेयजल की व्यवस्था के साथ ही नल वाली प्याऊ का निर्माण करवाया गया। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता कमल गर्ग ने जीरो ग्राउंड स्तर पर पहुंचकर माध्यमिक विद्यालय सोनखेड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय जंजालखेड़ी के विद्यालयों का दौरा कर हकीकत को जाना, जहां घटिया निर्माण कार्य अपने आप तस्वीरों में बयां करते हुए नजर आया। अभी निर्माण कार्य हुए 6 माह भी नहीं बीते कि प्लेटफॉर्म रूपी प्याऊ का जो निर्माण कार्य कराया गया उसमें भारी भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जगह जगह से टाइल्स टूट चुकी हैं, प्याऊ में नल भी नहीं लगाए गए हैं। माध्यमिक विद्यालय सोनखेड़ी के प्राचार्य प्रदीप कचोले ने बताया कि ट्यूबवेल में पानी की मोटर जरूर डाल दी गई है, लेकिन उनका कनेक्शन अभी तक नहीं किया गया है और ना ही विद्यालय को यह कार्य हस्तांतरित नहीं किया गया। सैकड़ों की इस योजना में किस तरह का भारी भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी यह एक वानगी है। यदि तीनों तहसीलों में इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए तो कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। जब इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के SDO एम के श्रीवास्तव ने पहले तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, बाद में मोबाइल से चर्चा की तो उन्होंने पहले तो जवाब देने में आनाकानी की, फिर कहा कि ऐसा कहाँ हुआ है हमें बताएं, हम ठीक करा देंगे, और उन्होंने अपना फोन काट दिया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हमारे स्कूल में PHE के द्वारा जब कोरोना काल चल रहा था उस समय पर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया था। ट्यूबवेल खनन पूर्व से ही था तो उन्होंने JE पाइप से पूरे नल फिटिंग वगैरह सब कर दी है, लेकिन उन्होंने ना तो आज तक हमें हैंडओवर करा है और ना ही उनका कहना है कि हमने इस ट्यूबवेल में मोटर डाल दी है, लेकिन उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिशियन से नहीं करा। और बच्चों को पीने के पानी की बहुत समस्या आ रही है। बच्चे लगभग सभी जब स्कूल चलता है तो अपने साथ में पानी का लेकर आते हैं, और जो नल वाली बात है जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने नल भी आज तक उसके अंदर लगाया नहीं है, क्योंकि जब कनेक्शन ही नहीं करा है तो नल लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म पर जगह जगह फर्शियाँ उखड़ी पड़ी हुई जो दिख रही हैं जी, इस संबंध में क्या कहना आपका? जब ये प्लेटफॉर्म बन रहा था तभी हमने उनसे इस विषय में कहा था कि आपका जो निर्माण हो रहा है ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का हो रहा है, आप इसके नीचे सीमेंट लगाइए, तो उन्होंने रेत के ऊपर ही वो फर्शी रखकर चले गए, इस कारण से वो फर्शी अपने आप उखड़ गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।